बात करेंगे सबसे पहले मुजफ्फरनगर की, जहां से भीम आर्मी के कार्यकर्ता की पिटाई का लाइव वीडियो सामने आया है। भगवान का अपमान करने वाले आरोपी की पिटाई की गई है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता पर लोगों का गुस्सा फूटा। युवकों ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को लाठी डंडे से पीटा, लाठियों से पीट पीट कर जय श्री राम के नारे लगवाए। तेरे तो कोई मतलब बात नहीं कर रखा भगवानों का। तू तो बता भगवान के लिए नहीं उतरेगा। मान जा भाई, मान जा मेरी मर जा। गोली मार दूंगा। बना वीडियो, बना वीडियो, वीडियो बना वीडियो। और बता तेरा मेड करो, रुक भाई तेरा मेड करो। हम कोई आंसर चाह नहीं, हम निंदा तो नहीं करते। करना कैसे कार भगवानों की चिट्ठे वो मूर्ति भी नहीं चाह। बोल श्री राम की, बोल रुको रुको तेरी, बोल बोल माता की, रुक माँ काली की जय, बोल बाबा हिदास की, भोलेनाथ की जय। कैसे कहानों को मूर्ति वो भी तस्वीर नहीं। तेरे तो कोई मतलब बात नहीं। भगवान तेरा मेड करो, हम कोई आंसर चाह नहीं, हम निंदा तो नहीं करते। करना कैसे कार भगवानों की चिट्ठे वो मूर्ति भी नहीं चाह। बोल श्री राम की, बोल रुको रुको बोल माँ काली की जय, बोल बाबा हिदास की, भोलेनाथ की जय। कैसे कहानों को मूर्ति वो भी तस्वीर नहीं। तेरे तो कोई मतलब बात नहीं। कौन कर रखा है भगवानों का। तू तो बता भगवान के लिए नहीं उतरेगा। मान जा, मान जा भाई, मान जा मेरी मर जा। तेरा मेड करो, हम कोई आंसर चाह नहीं, हम निंदा तो नहीं करते। करना कैसे कार भगवानों की चिट्ठे वो मूर्ति भी नहीं चाह। बोल श्री राम की, बोल रुको रुको बोल बोल माँ काली की जय, माँ काली की जय, बोल बाबा हिदास की, भोलेनाथ की जय। कैसे कहानों को मूर्ति वो भी तस्वीर नहीं। तेरे तो कोई मतलब बात चलिए बढ़ेंगे आगे। केंद्र की खुफिया एजेंसियों और गुजरात सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया है। केंद्र की खुफिया एजेंसियों पर तोगड़िया ने बड़ा आरोप लगाया। आईबी के जरिए मुझे डराया जा रहा है, ये कहना है तोगड़िया का। कहा कि पुराने मामले निकालकर मुझे डराया जा रहा है, हिंदुओं की आवाज में उठा रहा हूँ, मेरी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, मेरा एनकाउंटर करने की साजिश है, ये कहा तोगड़े ने। एक शख्स अचानक मेरे कमरे में आया, शख्स ने बोला आपका एनकाउंटर होने वाला है। मैंने राजस्थान के सीएम और गृह मंत्री से बात की, राजस्थान के गृह मंत्री ने कहा पुलिस नहीं भेजी है, मैंने घर के बाहर देखा पुलिस खड़ी थी, ये कहा तोगड़े ने। प्रवीण तोगड़िया का गुजरात सरकार पर बड़ा आरोप, कहा कि मेरे खिलाफ लंबे समय से साजिश हो रही है, वक्त आने पर बताऊंगा किसकी साजिश है, और भी बहुत कुछ कहा। क्या कहा उन्होंने सुनवाते हैं। तो एक व्यक्ति मेरे रूम में घुस आया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तुरंत कार्यालय छोड़ दो, आपको उठाकर एनकाउंटर करने के लिए लोग निकले हैं, हम मौत से नहीं डरने वाले, एनकाउंटर से नहीं डरने वाले। इसलिए उनकी बात पर मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। यह आवाज दबाने के लिए देश भर में सामाजिक गतिविधियों के कारण
मेरे विरुद्ध कानून भंग के केस 188, 144, 153 जिन केस की जानकारी भी मेरे पास नहीं है, वह 20-20 साल के देश भर के केस निकलवाकर अरेस्ट करके एक जेल से दूसरी जेल में भेजकर डराने का क्रम गुजरात से शुरू हुआ। रूम में अनैतिक कानून विरोधी एक भी चीज नहीं है। मेरी तीन ही संपत्ति है, एक भगवान की बैग, एक कपड़े की, एक पुस्तक की, इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं है। इसलिए मैंने कोई कानून अनैतिक काम नहीं किया है। इसलिए मैं क्राइम ब्रांच को प्रार्थना करूंगा कि आप सब हमारे हैं, सम्मानीय हैं, राजनीतिक दबाव में आने का काम मत करो। मैं जयपुर जाकर न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण करके न्याय तंत्र का आदर करूंगा। मैं आज तक न्यायालय से कभी भागा नहीं हूं। अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हुए प्रवीण तोगड़िया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवीण तोगड़िया की आंखों में आंसू आ गए। बोलते बोलते रो पड़े बीएसपी के कार्यकारी अध्यक्ष तोगड़िया। बोलते बोलते रो पड़े बीएसपी के कार्यकारी अध्यक्ष तोगड़िया। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए तोगड़े की आंखों में आंसू आपको साफ नजर आएंगे। आज उनकी आंखें जो थी वो काफी नम रही। तो पुलिस राजनीतिक दबाव में ना आए, ये उन्होंने कहा। और साथ ही कहा, मेरे एनकाउंटर की साजिश जो है वो रची जा रही है, मेरे खिलाफ साजिश जो है वो रची जा रही है, मेरा एनकाउंटर हो सकता है। और यही तमाम सारी बातें कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रवीण तोगड़े की आंखों में आंसू आ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। ताश का दीदार करने आगरा पहुंचे इसराइल के पीएम। पत्नी के साथ ताश का दीदार करने पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेतन्याहू का स्वागत किया। इजरायली पीएम नेतन्याहू करीब 4 घंटे आगरा में रुकेंगे। उनकी पत्नी सारा भी उनके साथ इस दौरान मौजूद हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उस वक्त की तस्वीरें जिस वक्त वो आगरा पहुंचे थे। नेतन्याहू पहुंचे यहां पर अपनी पत्नी सारा के साथ। उनकी पत्नी सारा भी ताश का दीदार करने के लिए उनके साथ पहुंची है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां थे। और आगरा में इजरायली पीएम ने मयूर नृत्य का आनंद उठाया। बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रज की होली का भी लुत्फ उठाया। होटल अमर विलास में बेंजामिन नेतन्याहू ने आनंद उठाया। तो ये तस्वीरें भी साझा की गई हैं, तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए किस तरीके से मयूर नृत्य का आनंद उठाते हुए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रज की होली का भी इस दौरान लुत्फ उठाया। तो होटल अमर विलास की तस्वीरें हैं जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पत्नी सारा भी उनके साथ मौजूद हैं। तो पत्नी के साथ ताश का दीदार करने के लिए आगरा पहुंचे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इस दौरान होटल अमर विलास में बेंजामिन नेतन्याहू ने आनंद उठाया है। तो इजरायली पीएम ने मयूर नृत्य का आनंद उठाया। उस वक्त की कुछ तस्वीरें जो है वो शेयर की है। तो वो तस्वीर एक्सक्लूसिव समाचार प्लस आपको दिखा रहा है। और इस वक्त दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आज उस वक्त की है जिस वक्त ताश का दीदार करने के लिए अपनी पत्नी सारा के साथ नेतन्याहू पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो होटल अमर विलास की है जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने आनंद उठाया। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता शिव चौहान का। शिव, आगरा पहुंच चुके हैं नेतन्याहू अपनी पत्नी सारा के साथ। अब आगे क्या कार्यक्रम है, कितनी देर तक रुकेंगे, कब तक यहां ताश का दीदार करेंगे? प्रधानमंत्री आगरा उनके साथ पहले अमर विलास होटल पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अगवानी भी की थी और एयरपोर्ट में भी पहुंचे थे। और उसके बाद थोड़ी देर वार्ता करने के बाद वो पत्नी के साथ ताजमहल का दीदार करने के लिए निकल चुके हैं। उसके बाद वापस आएंगे, अमर विलास होटल पहुंचेंगे। अमर विलास होटल पहुंचने के बाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनके साथ वो लंच करेंगे। और कई अहम मुद्दे हैं जो जल संरक्षण है, कृषि तकनीकी है, इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद 2:30 बजे के तकरीबन वो वापस दिल्ली जाएंगे और योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी, दो दो वीआईपी इस वक्त आगरा में मौजूद हैं। शिव, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद हैं, इजराइल के पीएम मौजूद हैं, उनकी पत्नी मौजूद है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से कैसे इंतजाम आपको वहां देखने को मिल रहे हैं?
बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था आगरा पुलिस प्रशासन हो जिला प्रशासन हो पूरी तरह से चाक चौबंद की है। पूरी जो रूट है एयरपोर्ट से लेकर ताज तक का वो पूरी छावनी में तब्दील कर। चलिए शिव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लखनऊ में इन्वेस्टर समिट 2018 के रोड शो की फॉलो अप बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बता दें कि IIGC के अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव बैठक ले रहे हैं। अहमदाबाद में होने वाले इन्वेस्टर समिट रोड शो पर चर्चा हो रही है। और अब बात अमेठी दौरे के राहुल गांधी के आखिरी दिन की। आपको बता दें कि आज अमेठी दौरे का राहुल गांधी का आखिरी दिन है और इस दौरान ताबड़तोड़ दौड़ भाग जो है वो राहुल गांधी की तरफ से देखने को मिल रही। अमेठी में कार्यकर्ताओं और पब्लिक से राहुल ने मुलाकात की। राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए अमेठी में बड़ा कार्यक्रम रखा गया। जगदीशपुर मुसाफिरखाना गौरीगंज में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तिलोई विधानसभा क्षेत्र के मोहनगंज में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो देखिए, जिस वक्त अमेठी दौरे के दौरान राहुल गांधी लोगों से बातचीत करते हुए कार्यकर्ताओं और पब्लिक से मुलाकात करते हुए उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। बकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए अमेठी में एक बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया है। अमेठी में राहुल से मिलने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। राहुल गांधी के काफिले के सामने टूट पड़े लोग राहुल से मिलने के लिए फरियादी सड़क पर गिरे। महिलाएं समेत कई पुरुष घायल हुए। इस दौरान मामूली छोटे आई है। कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल से नहीं मिल पाए लोग। राहुल का काफिला अगले पड़ाव की ओर निकल गया। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वक्त की, जिस वक्त महिलाएं समेत कई पुरुष जो थे वो जमीन पर लेट गए, गिर पड़े। राहुल की एक झलक देखना चाहते थे, राहुल से एक मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन कड़ी सुरक्षा थी, लिहाजा इस बीच राहुल से नहीं मिल पाए लोग। राहुल का काफिला अगले पड़ाव की ओर निकल गया। वहां से एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए किस तरीके से राहुल से मिलने के लिए लोगों का हुजूम जो था वो उमड़ गया। राहुल गांधी के काफिले के सामने ही टूट पड़े लोग। और रायबरेली में कांग्रेस MLC दीपक सिंह ने पुलिस से अभद्रता की। कांग्रेस MLC और उनके साथियों ने किसानों से भी मारपीट की। कांग्रेस MLC और उनके साथियों पर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। 2 दर्जन अज्ञात लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। राहुल गांधी की नुक्कड़ सभा के दौरान कांग्रेस MLC ने मारपीट की। रायबरेली में डांसर भरों से राहुल गांधी का स्वागत। राहुल के स्वागत में भीड़ बुलाने के लिए जमकर ठुमके लगे। भीड़ बुलाने के लिए सड़क पर ही जमकर लगे ठुमके। रायबरेली के परस देवगढ़ में राहुल के स्वागत से पहले ठुमकों का नजारा देखने को मिला। लखनऊ में लाउड स्पीकरों वाले धर्मस्थलों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। राजधानी पुलिस ने 1960 धर्मस्थलों की बनाई लिस्ट। सबसे ज्यादा ठाकुरगंज में 210 धर्मस्थल पर लगे हैं लाउड स्पीकर। चौक में 196 धर्मस्थलों पर लगे हैं लाउड स्पीकर। बगैर इजाजत लाउड स्पीकर बजाने पर आज से नोटिस मिलेगा। अनुमति नहीं लेने वाले स्थलों के संचालक को थानेवार जारी होकर नोटिस। 20 जनवरी तक आवेदन पर अनुमति लेना होगा। 21 जनवरी से लाउड स्पीकर को उतारने के साथ CJM कोर्ट में केस दर्ज होगा। बात अब देवबंद की, जहां पर ब्रिटिश सरकार पर बरसे हैं देवबंदी उलेमा। लंदन के स्कूल की मांग को बताया मुस्लिम विरोधी। इस वक्त पूरे देश में चल रही है मुस्लिम विरोधी लहर, ये कहा उलेमा ने। लंदन के सरकारी स्कूल की अपील से उलेमा आग बबूला। स्कूल ने मुस्लिम बच्चों के पहनावे पर आपत्ति जताई है। बच्चों को बुरका पहनने और रोजा रखने पर एतराज जताया है। ब्रिटिश सरकार से कड़ा रुख अपनाने की अपील की है। देखिए, हिजाब पहनना या रोजा रखना या नमाज पढ़ना, ये सब जो है एक शख्सी यानी इंसानी हकूक से इसका ताल्लुक है, उसके मजहबी हकूक से इसका ताल्लुक है। इसलिए किसी भी स्कूल में या किसी भी और इदारे में इस पर पाबंदी लगाना जो है वो समझ में नहीं आता। लंदन में ये वाक़ नया नहीं है, इससे पहले भी वहाँ के बाद स्कूल इस तरह की कार्रवाई कर चुके हैं और इस तरह के बयान दे चुके हैं। योगी राज में राजधानी में ही सुरक्षित नहीं बेटियां। राजधानी लखनऊ में 14 साल की छात्रा से हैवानियत की गई। 14 साल की छात्रा को पड़ोसी ने अपने हवस का शिकार बना डाला। घर में घुसकर दबंग पड़ोसी ने जबरन दुष्कर्म किया।
किशोरी के मुंह में कपड़ा ठूस कर हैवानियत की। किशोरी को बेहोश होने पर डरकर भागा पापी पड़ोसी। दादी के पास बच्चे को छोड़कर बाहर गए थे माँ बाप। गंभीर हालत में किशोरी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के एक गाँव का यह मामला है। बरेली से एक महिला को बंधक बनाकर दंगी करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। महिला को नौकरी का झांसा देकर मुरादाबाद से बरेली लाया गया और फिर उसे बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया। महिला ने जब भागने का प्रयास किया तो लोहे की सरिया से उसे बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसका पैर जख्मी हो गया। महिला जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। महिला को होश आने पर उसने डॉक्टर्स को अपने घर का पता और फोन नंबर दिया। इसके बाद डॉक्टर ने परिजन को फोन करके जानकारी दी। वहीं इस मामले में एसपी सिटी का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दो युवक और एक युवती का नाम सामने आया था। तीनों को ही गिरफ्तार करके अभी जेल भेजा जा चुका है। और इसमें जो युवती है जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको मुरादाबाद से ये लोग नौकरी दिलाने के नाम पर यहाँ पर लेके आए थे और उसका कुछ उत्पीड़न भी किया था। तो उस आधार पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और जल्दी उसमें चार्जशीट लगाई जाएगी। लड़का है सुधीर नाम का, उसने कहा 4,000 रुपये में कुछ नहीं होता है, अपने बेटे को भी नहीं पाल पाओगी। बरेली में एक नौकरी है, बहुत अच्छी है, कारों की एजेंसी है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑफिस में बैठना पड़ेगा, बस देखना पड़ेगा। तो मैंने कि मैं पहले बहुत दिन से टालम टूली उन लोगों को करती रही, बहुत दिन से। फिर मैंने सोचा लाओ मैं पहले देखी आती हूँ कौन सा कर रही हूँ। तो मैंने कहा लाओ पहले मैं देख आती हूँ, मैं करूँगी नहीं, नौकरी देख आती हूँ। गाजियाबाद में शिवसेना का सदस्य बनकर आए युवकों की पिटाई की गई। ट्रक चालक से मारपीट और लूट करने आए थे युवक। ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट कर रहे थे तीनों युवक। तीनों युवकों को पुलिस ने पकड़कर जमकर धुना। मसूरी के कल्लूगड़ी फाटक के पास का ये मामला। नोएडा में स्टैंडर्ड स्वीट्स में चोर की सेंध मारी। सीसीटीवी में कैद चोरी करते भागता नाबालिग चोर। 1.5 लाख नकद, एक लैपटॉप और कागजात लेकर के चोर फरार हुआ। पुलिस ने मामले में पीड़ित की एफआईआर दर्ज नहीं की। सेक्टर 12 के स्टैंडर्ड स्वीट्स का ये मामला है। हम आ चुके हैं, तब पर गाजियाबाद में सामने आया लूट का लाइव वीडियो। बदमाशों ने व्यापारी को सड़क पर घसीटा। बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की लूट की करतूत। बदमाशों के चुंगल से छूटकर भागा व्यापारी। ये देखिए किस तरीके से घसीटा जा रहा है व्यापारियों को। बदमाशों ने रुपये से भरा बैग छीनने की कोशिश की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको समाचार प्लस दिखा रहा है। तो सीसीटीवी में ये बदमाशों की लूट की पूरी वारदात कैद हो गई। गाजियाबाद में व्यापारी से लूट की कोशिश पर आक्रोश बना हुआ है। गुस्साए व्यापारियों ने कोतवाली का घेराव किया। कोतवाली का घेराव कर व्यापारियों ने हंगामा किया। कल बुजुर्ग व्यापारी को लूटने की दरअसल कोशिश हुई थी। तो गुस्साए व्यापारियों ने कोतवाली का आज घेराव किया। कोतवाली का घेराव कर व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी हुई। राहुल गांधी का अमेठी दौरे के दौरान बीजेपी का हंगामा देखने को मिला। लापता सांसद का स्वागत वाले पोस्टर लेकर डटे कार्यकर्ता। किसानों की जमीन हड़पने वाले सांसद का स्वागत का भी बैनर लगा हुआ था। अमेठी की जनता की आवाज नहीं सुनने वाले सांसद का स्वागत, ये लिखा हुआ था। तो बीजेपी जिला अध्यक्ष कर रहे विरोध की अगुवाई। क्वारीगंज में राहुल गांधी के दौरे का बीजेपी ने विरोध किया। तो राहुल गांधी के अमेठी दौरे के दौरान बीजेपी का हंगामा देखने को मिला। देखिए किस तरीके से हाथों में बकायदा ये लोग पोस्टर लिए हुए हैं, हाथों में तख्ती लिए हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि अमेठी से लापता सांसद का स्वागत। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक रहे हमारे संवाददाता अखिलेश सोनी का। अखिलेश, अमेठी की जनता की आवाज नहीं सुनने वाले सांसद का स्वागत और भी इस तरीके की कई बातें इन पोस्टर्स में नजर आ रही है, और क्या कुछ वहां पर आपको देखने को मिल रहा है?
अखिलेश आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी। अखिलेश आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अमेठी दौरे के दौरान राहुल गांधी के विरोध की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, अब जो कार्यकर्ता हैं वो पोस्टर लेकर के डटे हुए हैं, क्या कुछ वहां अभी सिचुएशन है? बिल्कुल नहीं, देखिए राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर अमेठी हैं और शुरू से ही सलोन हो चाहे अमेठी इनका विरोध बढ़ता जा रहा है। आज इनका कार्यक्रम गौरीगंज कस्बे में था, लेकिन इससे पहले हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर सड़क पर उतर आए और राहुल गांधी विरोध करने लगे। फिलहाल दोनों तरफ से स्थिति काफी गंभीर हो चुकी थी। मौके पर गौरीगंज कस्बे की पूरा मामला है जहां भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों आमने सामने हो गए। पुलिस को स्थिति संभालने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिसमें कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई है। फिलहाल स्थिति अब सामान्य है, राहुल गांधी का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, अब वो गौरीगंज आने के बजाय सीधे जामो होकर गौरीगंज जाएंगे। जी चलिए अखिलेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।